सपा सांसद किरण नंदा ने इटावा पहुंचकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनेगी। भाजपा ने जनता को धोखा दिया है और पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वहीं ममता बनर्जी का चेहरा बंगाल में है, अगर वह चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए हम लोग लेकर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के बाद केंद्र की सरकार का रास्ता भी हम लोग खोलेंगे। 2022 के चुनाव में जो वादा करेंगे, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए जो वादा किया जाएगा वही काम होगा और जनता को इस बात का विश्वास दिलाया जाएगा। चुनाव होता है तीन चीजों पर, केवल पार्टी का नाम पे चुनाव होता है, एक नाम और एक काम एक चेहरा, ये तीन समाजवादी पार्टी का पास है। नाम तो अखिलेश यादव का नाम है, योगी आदित्यनाथ का नाम कोई जनता का बीच में नहीं है। काम जो हुआ 2012 से 2017 सपा का सरकार का समय अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री काल में एक काम हुआ और 2017 से 2022 कोई भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और चेहरा इतनी बेदाग बेहतरीन चेहरा हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री का नहीं है आज अखिलेश यादव का जो है। ये तीनों चीज सपा का पास है, नाम काम चेहरा, इसलिए जनता सपा का पक्ष में रहेगा। इसके लेके नहीं आया क्या काम हुआ वो भी नहीं बताया, केवल हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान और दिवाली रमजान एक बात करके चुनाव लेके गया। जनता ये देख लिया ये भाजपा के पास क्या है, ये जनता का भाईचारा को टूटना चाहते हैं, जनता का भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का परंपरा को खत्म करना चाहता है। सहारनपुर